हेलो एवरीवन, आज की कहानी एक लड़की के बारे में है जो एक आदमी से मिलता है और ये उन दोनों की लव स्टोरी है। इन दोनों के बीच क्या क्या होता है हम इस मूवी के जरिए जानेंगे। आज की मूवी है 9½ वीक्स, जो कि 1986 में रिलीज हुई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9। हम रोज ऐसी मूवीज लाते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर रोज मिल सकूं। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। दर्शकों, ये एक अमेरिकन ड्रामा है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एलिजाबेथ से मिलते हैं। एलिजाबेथ एक आर्ट गैलरी में काम करती है और वो अपने घर से ऑफिस जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने ऑफिस के एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाती है। दरअसल आज एलिजाबेथ के घर में ऑफिस की एक डिनर पार्टी है। वो दोनों चिकन खरीदने के लिए एक शॉप में जाते हैं। वहाँ एक आदमी उनके साथ फ्लर्ट करता है, पर एलिजाबेथ उसके तरफ जब देखती है वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी उसके सामने जॉन आता है। एलिजाबेथ को जॉन अच्छा लगता है। एलिजाबेथ चिकन लेके वहां से चली जाती है। एलिजाबेथ जॉन को एक बार फिर एक रेस्टोरेंट में पेपर पढ़ते देखती है, फिर अपने घर चली जाती है और अपने फ्रेंड के साथ बात करती है। एलिजाबेथ के घर में ऑफिस पार्टी होता है। ऑफिस के सभी लोग आर्ट के बारे में बात करते हैं। एलिजाबेथ नेक्स्ट डे वापस ऑफिस जाती है और ऑफिस से निकलकर एक स्ट्रीट फेयर में जाती है। वहाँ उसको एक स्कर्फ पसंद आता है, पर बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण वो खरीदती नहीं है। फेयर में घूमते घूमते वो बहुत से मज़ेदार चीज़ें देखती हैं। वहाँ म्यूजिक बज रही होती है और एलिजाबेथ उसके धुन में नाचती है। कुछ समय बाद अचानक जॉन एलिजाबेथ के सामने आ जाता है। जॉन उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और फिर उस रेस्टोरेंट के हिस्ट्री पर बातें करते हैं। वो लोग बहुत टाइम तक बातें करते हैं और डिनर करके वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए जॉन एलिजाबेथ को वो एक्सपेंसिव स्कर्फ गिफ्ट करता है जो उस फेयर में पसंद आया था पर उसने ख़रीदा नहीं था। दोनों फिर जॉन के बोट हाउस में जाते हैं, जहां एलिजाबेथ थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि वो जॉन से आज पहली बार मिली है और वो उसके बोट हाउस में आ गई है, जो कि बहुत अनजान सुनसान जगह पर है। दोनों के बीच कुछ नहीं होता है और एलिजाबेथ अपने घर चली जाती है। जॉन और एलिजाबेथ वापस मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के जॉब के बारे में पूछते हैं और एलिजाबेथ को पता चलता है कि जॉन शेयर मार्केट में काम करता है। अगले दिन दोनों फिर से डेट पे जाते हैं और एलिजाबेथ फेरिस व्हील में बैठती है। जॉन एलिजाबेथ पे प्रैंक करता है और उसे फेरिस व्हील से नीचे नहीं उतरने देते हैं। एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जॉन को बहुत मारती है। फिर दोनों एलिजाबेथ के घर जाते हैं। वहाँ जॉन को पता चलता है कि एलिजाबेथ 3 साल तक मैरिड थी और उसका डिवोर्स हुआ है। उसका एक्स हस्बैंड उसे फ़ोन पर मैसेज करता है कि वो उसे मिस कर रहा है, जबकि उसी ने एलिजाबेथ को डिवोर्स दिया है। जॉन को उन बातों से फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे पूछता है कि क्या वो उसके आँखों में पट्टी बांध सकती है। एलिजाबेथ मान जाती है। जॉन उसके साथ क्लोज होता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन जॉन एलिजाबेथ को अपने घर ले जाता है। एलिजाबेथ को जॉन का घर बहुत अच्छा लगता है। जॉन एलिजाबेथ को एक घड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि जब इस घड़ी में 12 बजेगा तब एलिजाबेथ इमेजिन करेगी कि जॉन उसे टच कर रहा है। उसके बारे में सोच के वो खुद को टच करेगी। जॉन को ऐसे गेम्स अच्छे लगते हैं।
उसे ऐसा सेक्सुअल एडवेंचर करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे जब एलिजाबेथ अपने काम में रहती है और 12 बजता है, वो प्रोजेक्टर में पेंटिंग्स देखती रहती है। उसे जॉन की याद आती है और वो खुद को टच करने लगती है। उसे ऐसा करके मज़ा आता है। कुछ दिनों बाद जब जॉन एलिजाबेथ से वापस मिलता है, वो उसके लिए कुक करता है क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। वो एलिजाबेथ को नीचे बैठने के लिए बोलता है और फ्रिज से खाना निकाल कर उसे खिलाता है। ऐसे खेलते खेलते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन एलिजाबेथ अपने काम पे जाती है। वहाँ उसकी एक अच्छी फ्रेंड बताती है कि कल वो एक पार्टी में गई थी जहाँ वो एलिजाबेथ की एक्स हस्बैंड से मिली थी और दोनों के बीच इंटीमेसी हो जाती है। उसकी फ्रेंड एलिजाबेथ से माफ़ी मांगती है। एलिजाबेथ कहती है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उसके एक्स हस्बैंड को डेट कर सकती है। एलिजाबेथ भी अभी जॉन को डेट कर रही है। उसे सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना है और इसलिए वो जॉन को एक पार्टी में ले जाना चाहती है, पर जॉन इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो उल्टा एलिजाबेथ से बोलता है कि एलिजाबेथ की रात का टाइम हमेशा जॉन के लिए होना चाहिए। जॉन एलिजाबेथ का ध्यान रखता है। वो एलिजाबेथ को नहलाता है, खिलाता है और उसका केयर करता है। तभी जॉन को ऑफिस से कॉल आता है और वो चला जाता है। एलिजाबेथ उसके रूम में अकेली है और वो बोर होकर जॉन के चीज़ों को देखने लगती है। ड्रॉअर में उसे जॉन के एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो मिलती है। तभी जॉन घर पे कॉल करता है। जॉन को पता चल जाता है कि एलिजाबेथ उसके चीज़ों को देख रही है, जिसके कारण जॉन एलिजाबेथ को पनिश करने घर आता है। पर एलिजाबेथ ये सुन के गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और वो लोग इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जॉन एलिजाबेथ को शॉपिंग पे ले जाता है और उसके लिए एक ड्रेस खरीदता है। एलिजाबेथ जॉन के एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या वो उसका भी ऐसे ख्याल रखता था, जिसका जवाब जॉन नहीं दे पाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप ग्रो होता है और दोनों नए नए तरीके के डेट पे जाते हैं और नए सेक्सुअल गेम्स खेलते हैं और इंटीमेट होते हैं। एक दिन एलिजाबेथ जॉन से पूछती है कि क्यों वो उसको अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जॉन कहता है कि उसने एलिजाबेथ में अपने आप को देखा और इसलिए वो उससे अट्रैक्ट हो गया। एलिजाबेथ को जॉन के फीलिंग्स के बारे में इतना पता नहीं है, पर वो जानना चाहती है, जिसके चलते एक दिन वो जॉन का पीछा करती है और उसके ऑफिस पहुंच जाती है। जॉन उसे देख के खुश होता है और उसके साथ एक गेम खेलता है। फिर दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे शेयर मार्केट के काम करने वाले सभी लोग होते हैं। दोनों वहाँ एक दूसरे को टच करते हैं। जॉन एलिजाबेथ को अपने हाथों से खाना खिलाता है। एलिजाबेथ कहती है कि उसे जॉन का प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है और उसे उसके जैसा बनना है। दूसरे दिन जॉन एलिजाबेथ के लिए कॉस्ट्यूम ले आता है और एलिजाबेथ उसको पहन के एक रेस्टोरेंट में जॉन के साथ जाती है। दरअसल कॉस्ट्यूम लड़के का है, इसी वजह से एलिजाबेथ लड़कों जैसे बातें करती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट में ही क्लोज होते हैं। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में कोई कार उनके ऊपर पानी फेंक जाती है और दोनों भीग जाते हैं। एलिजाबेथ गाड़ी के ऊपर कुछ फेंक देती है। गाड़ी से लोग निकलते हैं और एलिजाबेथ और जॉन का पीछा करते हैं। एलिजाबेथ और जॉन वहाँ से भागते हैं और एक टनल में पहुँच जाते हैं। जॉन उन लोगों को बहुत मारता है। लोगों के जाने के बाद एलिजाबेथ और जॉन उस टनल में इंटीमेट होते हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे को डेयर देते रहते हैं। एक बार जॉन एलिजाबेथ को चोरी करने का डेयर देता है। वो ज्वेलरी शॉप से चोरी करके लाती है। फिर एक दिन वो लोग बेड खरीदने जाते हैं, जहां जॉन एलिजाबेथ को बेड में सोने के लिए बोलता है और दोनों वहां क्लोज हो जाते हैं। एलिजाबेथ जॉन को स्ट्रिप डांस करके दिखाती है। जॉन को ये सब गेम्स खेल के और डेयर देके अच्छा लगता है।
एक दिन वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहां जॉन एलिजाबेथ को एक स्टिक से मार के उस स्टिक की टेस्ट करता है। फिर दोनों घर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ एक आर्टिस्ट के घर जाती है। आर्टिस्ट को भूलने की बीमारी है और वो खुद के एग्जीबिशन के बारे में ही भूल जाता है। आर्टिस्ट को याद दिलाने एलिजाबेथ वहाँ जाती है और उसके आर्ट के बारे में बातें करती है। एलिजाबेथ आर्टिस्ट से पूछती है कि वो ऐसे मीनिंगफुल पेंटिंग्स कैसे बना लेता है। आर्टिस्ट उसे लम्हों के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि लाइफ की एक मोमेंट जो बहुत जाना पहचाना सा लगता है पर हम फिर भी उस मोमेंट को समझ नहीं पाते हैं। एलिजाबेथ आर्टिस्ट के बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और उसके और जॉन के अजीब रिलेशनशिप को समझ नहीं पाती है और इसी वजह से वो जॉन को लेके इतनी क्यूरियस है। एक दिन एलिजाबेथ जॉन से मिलती है और जॉन उसे ज़मीन पर घुटनों के बल चलने के लिए बोलता है, जो एलिजाबेथ की करने का मन नहीं है। पर जॉन पूरा कैरेक्टर में होता है। उसे लगता है कि वो लोग अभी भी गेम खेल रहे हैं और जॉन एलिजाबेथ पे ज़बरदस्ती करता है। दूसरे दिन एलिजाबेथ को उसके ऑफिस की फ्रेंड बताती है कि वो उसके एक्स हस्बैंड के साथ डेट पे जा रही है। ये सुन के एलिजाबेथ को बहुत दुख होता है पर वो चुपचाप उन्हें जाते हुए दिखती है। जॉन एलिजाबेथ को एक दिन होटल रूम में बुलाता है। एलिजाबेथ रेडी होके उस रूम में जाती है और जॉन को ढूंढने लगती है पर वो रूम में नहीं होता है। कुछ समय बाद जॉन एलिजाबेथ को कॉल करता है। जॉन चाहता है कि एलिजाबेथ अपने आँखों को एक कपड़े से ढक ले और उसका वेट करे। एलिजाबेथ आँखों में पट्टी बांध के रूम में बैठी रहती है। तभी जॉन एक लड़की के साथ वहाँ आता है। जॉन और वो लड़की फ्लर्ट करते हैं और वहाँ एलिजाबेथ सब सुनती है। वो लड़की एलिजाबेथ को टच करने लगती है पर एलिजाबेथ को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे ही दिन एलिजाबेथ जॉन के घर जाती है। दोनों के बीच बात होती है पर एलिजाबेथ को अब ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है। वो अपना सब सामान पैक करती है और जॉन को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। जॉन उसे जाते हुए देखकर बहुत दुखी होता है पर वो उसे रोकता भी नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये मूवी खत्म होती है। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने का वादा करती हूँ। तब तक के लिए अलविदा एंड स्टे सेफ।